कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा की नातिन सौंदर्या ने बेंगलुरु में वसंत विहार स्थित अपने फ्लैट में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी बेंगलुरु के अब्बीगेरे फार्म हाउस में कर दिया गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता करने में जुटी है। इस बीच यह खबर भी सामने आई कि 30 वर्षीय सौंदर्या गर्भावस्था के बाद होने वाले अवसाद की शिकार थी। इस मामले में अब कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र का बयान सामने आया है। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र के मुताबिक सौंदर्या गर्भावस्था के बाद होने वाले डिप्रेशन का शिकार थी। ज्ञानेंद्र ने कहा कि येदुरप्पा खुद सौंदर्या को कई बार अपने साथ लेकर आते जाते थे ताकि वह खुश रह सके। मंत्री ने कहा कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है, सब उनके डिप्रेशन के बारे में पहले से जानते हैं। खुदकुशी से पहले सौंदर्या ने अपने 9 महीने के बच्चे को फ्लैट के दूसरे कमरे में छोड़ दिया था। पुलिस ने सौंदर्या के पति डॉक्टर नीरज की शिकायत पर अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सौंदर्या ने 3 महीने पहले अपने बच्चे का नामकरण संस्कार किया था। डॉक्टर सौंदर्या बोरिंग अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर थी और साथ ही प्राइवेट प्रैक्टिस भी किया करती थी, जबकि उनके पति बेंगलुरु के ही डॉक्टर नीरज MS रमैया अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट हैं। शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक सौंदर्या के शरीर पर गर्दन के अलावा कोई अन्य निशान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 3 डॉक्टरों की एक टीम ने पोस्टमार्टम किया, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को सौंप दी गई है। खबरों के मुताबिक सौंदर्या येदुरप्पा की सबसे बड़ी बेटी पद्मावती की बेटी थी और सौंदर्या और डॉक्टर नीरज ने एक ही मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी, जिसके बाद दोनों ने 2018 में शादी कर ली थी। शुक्रवार को जब सौंदर्या ने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो नौकरानी ने उनके पति डॉक्टर नीरज को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अपार्टमेंट के कर्मचारी भी उनके फ्लैट पर पहुंचे और उन्होंने सौंदर्या का शव बालकनी के पास छत से लटकता हुआ पाया। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया, हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने सौंदर्या को मृत घोषित कर दिया। 78 साल के येदुरप्पा कर्नाटक के 19वें CM बने थे। येदुरप्पा के कुल 5 बच्चे हैं, इसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां शामिल हैं। इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येदुरप्पा को फोन कर संवेदना व्यक्त की। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।